हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर कैट। बस अब 4 महीने बाकी हैं एंड एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, कैट का फॉर्म लाइव हो चुका है। स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग। एंड यू कैन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स में, लाइक लास्ट डेट है 13 सितंबर, एंड एडमिट कार्ड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम 25 अक्टूबर एंड टेस्ट डे 26 नवम्बर। तो इस वीडियो में हम लोग कैट का फॉर्म कैसे फिल करना है उसको हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है उसको भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्ट, लेट मी गिव यू अ इंफॉर्मेशन गाइज। सो इन कमिंग टाइम आई एम प्लानिंग फॉर मेकिंग वीडियो ऑन स्ट्रेटजी पार्ट, लाइक हाउ आई स्कोर्ड, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम ऑफ माई कलीग हु एक्चुअली स्कोर रियली वेल इन कैट, सो दैट दे कैन शेयर देयर ऑन व्यू स्ट्रैटेजी। सो फॉर दैट प्लीज मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे बिकॉज हम नए कैंडिडेट हैं। सो हम पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। सो क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। सो द नेक्स्ट टैब ओपन हो गया, यू कैन सी। सो जस्ट फॉर वेट, ओके। सो सम इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू यूज मोजिला वर्जन 94.2.1.2, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज 88.2.1.3, ये सब वर्जन है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपका क्रोम अपडेटेड होगा। ओके, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यू कैन रीड। सो आई एग्री। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिल करते हैं। सो कैंडिडेट नेम, माई नेम, ओके। सो वन थिंग्स, आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन हाउ यू आर गोइंग टू रजिस्टर। सो यू कैन सी हियर इज द, यू कैन फिल योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन ईमेल एड्रेस, अगेन कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, देन कंट्री, मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर, देन जनरेट ओटीपी। ओटीपी जनरेट करोगे, मोबाइल पे भी आएगा, ईमेल एड्रेस पे भी आएगा। सो दोनों ओटीपी वेरीफाई करना है। देन क्लिक ऑन द आई एग्री बटन एंड हेयर फिल द कैप्चा, देन क्लिक ऑन रीवेरीफाई। हेयर यू कैन सी रीवेरीफाई। तो रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे, देन जो डिटेल्स तुमने भरा है, लाइक ऑल दिस डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको एक कंफर्मेशन के लिए वो पूछेंगे। लाइक जैसे उन्होंने देगा ईमेल एड्रेस, ये सही है क्या, यू हैव टू क्लिक ओके, दिस इज करेक्ट। सो सिमिलरली ऐसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई अगर ओके है तो डन करो। फिर उसके बाद क्या होगा, लाइक दे विल सेंड यू कैट रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। ओके, तो अभी हम लोग लॉग इन पे चलते हैं। सो लॉग इन हेयर, यू कैन सी द ऑप्शन लॉग इन हेयर। तो आई एम गोइंग टू लॉग इन। तो हमने डिटेल्स फिल कर लिया है, मैं अपना खुद का, देन क्लिक ऑन लॉग इन। तो ओके, सो लॉग इन हो गया यहाँ पे। देन गो टू द एप्लीकेशन टैब, यू कैन सी राइट कॉर्नर स्क्रीन पे। सो गो टू द एप्लीकेशन टैब। तो वेट, पेज इज लोडिंग। ओके, सो द सेम इंस्ट्रक्शन, मोजिला क्रोम का यूज करना है, हटा दो इसको। नाउ यू कैन सी द एप्लीकेशन फॉर्म। सो द फर्स्ट इज पर्सनल डिटेल्स, देन एकेडमिक, देन वर्क एक्सपीरियंस, देन प्रोग्राम, देन टेस्ट स्थिति, देन लास्ट में पेमेंट करना है। ओके, सो फर्स्ट हमको पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। सो माई नेम ऑलरेडी इज देयर, रजिस्ट्रेशन ओके, फादर नेम केम ओके, ठीक है। नाउ डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी देयर, ओके, आई थिंक आई ऑलरेडी फिल, नो इशू। सो यू कैन फिल डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनैलिटी, एंड हेयर यू कैन फिल कैटेगरी। सो लेट सपोज कि आप जनरल में हो, सो जनरल। अगर आप ई डब्ल्यू एस में हो, सो ई डब्ल्यू एस डालो यहाँ पे। यहाँ पे सर्टिफिकेशन इश्यू डेट डालना है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो डालना है। देन यहाँ पे आपको नहीं डालना है सीरियल और एंट्री नंबर, ये है उनके लिए, आई थिंक ओबीसी के लिए है और SC ST के लिए। यहाँ पे ई डब्ल्यू एस को नहीं डालना है। देन यहाँ कास्ट तो आपका जनरल है, बट देख लेते हैं ओबीसी का क्या है। तो ये ओबीसी हो गया, तो यहाँ पे सेम सर्टिफिकेशन इश्यू डेट डालना है, स्टेट डालना है, देन यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है कि आप कौन से सीरियल नंबर में बिलोंग करते हो एज पर द सेंट्रल लिस्ट। तो उसको नोन करने के लिए बस सिंपल एक प्रोसेस है,
ये जो एक आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक सेपरेट पेज ओपन हुआ गवर्नमेंट का, कुछ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। देन यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सो लेट्स सपोज मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कास्ट एंड कम्युनिटी, एंट्री नंबर, हेयर इज गैजेट रेजुलेशन। ठीक है, तो मेरा काम का ये एंट्री नंबर है। सो अब यहाँ पे आप फाइंड आउट करो कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। ओके, सो लेट्स सपोज कि ये कोई कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से ये केवत केवत है, ठीक है ना। तो ये कास्ट से लेट्स सपोज कि मैं बिलोंग करता हूँ, मैं हूँ नहीं, बट लेट अज्यूम एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे देखो इसके सामने क्या एंट्री नंबर है, 6। तो मेरा जो कैट फॉर्म में यहाँ पे एंट्री नंबर आएगा वो 6 आएगा। ओके, और जो कास्ट ट्राइबल नेम जो मतलब ये है एक केवत, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा केवत, जो मेरा कास्ट है वो। सिमिलरली एससी एसटी का भी वही है, स्टेट कौन से स्टेट से हो, सीरियल नंबर वही सेम। यहाँ पे हम आइकन पे क्लिक करेंगे, उनका वो एससी एसटी का जो कास्ट का सीरियल नंबर है वो ओपन हो जाएगा। यू कैन सी सिमिलरली आप जो स्टेट से बिलोंग कर रहे हो वहाँ पे क्लिक करो, आपको सिमिलरली वैसे जैसे ओबीसी का मैंने दिखाया वैसे मिल जाएगा। सिमिलरली एससी एसटी का भी वैसे ही है, बस इनका एक है कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू डेट नहीं डालना है। बिकॉज क्या होता है ना कि लाइक ओबीसी और एनसी ओबीसी वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर डॉक्यूमेंट वैलिड रहता है। ओके, सो इसलिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट मेंशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट एससी एसटी में ऐसा अभी नहीं आया है। यहाँ पे क्या है, डू यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी? ओके नो, अगर आप यस हो तो यस पे क्लिक करो, नो है तो नो पे। कोविड वैक्सीनेशन डेट ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, एज ऑफ आई मीन डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन कम्स टू द एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस है, आप एड्रेस फिल कर दो। जैसे मैंने अपना एड्रेस ऑलरेडी फिल करके रखा है, यू कैन सी, एंड ईमेल एड्रेस, ऑल ऑल दोस थिंग्स वी हैड ऑलरेडी मेंशन ना। देन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड रिलेशनशिप विथ कैंडिडेट, आप मैंडेटरी नहीं है, डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन हेयर कम्स टू फोटोग्राफ अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो सी फोटोग्राफ फोटोग्राफ अपलोड करने का क्या होता है कि सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक हेयर टू अपलोड एंड यू कैन अपलोड। बट वन थिंग्स आई वॉन्ट टू मेंशन, लाइक फोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, एंड बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये स्पेशली कैट वालों ने बोला है कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का तो आप कैसे भी व्हाइट पेपर पे एक ब्लू पेन से साइन करके स्कैन कर लो, चलेगा। हाँ, वन और इम्पोर्टेंट थिंग, स्कैन आप अपने फोन से मत करना, स्कैनर से कर लो। 10 रुपये लगेगा, 5 रुपये पर पीस 10 रुपये लगेगा, स्कैनर से कराओ, ठीक है ना। 2400 हम लोग फी पे कर रहे हैं कैट के लिए, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो 20 लाख 22 लाख आप फी पे करोगे। सो 5-10 रुपये के लिए कंजूसी मत करो। ओके, देन क्लिक टू सेव एंड नेक्स्ट पे। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कैटेगरी। ओके लेट मी चेक। ओके सो जनरल, नाउ सेव एंड नेक्स्ट। सो लेट ओके, यस, सो नाउ आई थिंक अब होगा। हाँ, सेव एंड नेक्स्ट आ गया। देन अब यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स हमको फिल करना है। सो सी फर्स्ट एकेडमिक डिटेल्स में क्या करना है हमको, एस एस सी 10th और इक्विवेलेंट डिटेल। सो एस एस सी का हमको डिटेल्स फिल करना है। तो यू कैन सी एस एस सी बोर्ड हमको डालना है यहाँ पे, देन मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन, देन मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेंड एंड एग्रीगेट परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है, लेट सपोज कि मैं अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूँ, सो मेरा बोर्ड जो 6 सब्जेक्ट का पेपर था उसमें 5 सब्जेक्ट पे ही उन्होंने परसेंटेज अवार्ड किया है। बट कैट ऐसा नहीं बोलता है, कैट बोलता है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट मार्क्सशीट पे हैं उनका आप एग्रीगेट लो और वो मार्क्स मुझे आप बताओ, ठीक। ओके, तो मेरा अगर 6 सब्जेक्ट है तो मैं मैक्सिमम मार्क्स कितना डालूंगा, 600। टोटल मार्क्स ऑब्टेंड मतलब 6 सब्जेक्ट में मेरा जितना मार्क्स आया हुआ है वो डालूंगा, देन उसका एग्रीगेट परसेंटेज। ओके, सो आई होप आपको ये 10th का क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली 12th का भी वैसे ही करना है। अगर जैसे यहाँ पे 12th और डिप्लोमा है, कितने कैंडिडेट ये होते हैं कि लाइक 10th के बाद डिप्लोमा किया उन्होंने 12th के जगह पे, तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा डाल दो, अगर 12th है तो 12th डाल दो। तो 12th के लिए सिमिलरली वही जैसे 10th का फिल करना है, बोर्ड, ईयर ऑफ कंप्लीशन,
डिसिप्लिन लाइक साइंस आर्ट्स और क्या क्या है, अदर है यहाँ पे ऑप्शन है, अदर भी डाल सकते हो अगर आपका कुछ अदर है तो, इन दोनों को छोड़कर। सिमिलरली मैक्सिमम मार्क्स वही इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन और एग्रीगेट परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, लाइक कितने, जैसे सीबीएसई में होता है कि वो सीजीपीए और समथिंग वो लोग अवार्ड करते हैं, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो सीबीएसई का फॉर्मूला होता है आई मीन सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, उससे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपको वो परसेंटेज लिखना पड़ेगा। बट इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आई मीन टॉप 5 टॉप 4 लेकर आप करो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो, अगर आई मीन फ्लॉ मिलता है इन फ्यूचर, देन आपका कैंडिडेटर ये लो कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स फिल करने के वक्त बहुत केयरफुली फिल करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी होता है, ऐसा देखा है मैंने। मेरा खुद का कॉलेज का एग्जाम्पल है, लाइक वन कैंडिडेट का एडमिशन कैंसिल हो गया जस्ट बिफोर 5 डे ऑफ द आई मीन ऑन बोर्डिंग, बिकॉज उसने गलत डिटेल्स फिल किया था। ओके, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप जब फॉर्म फिल करो तो वहां पे आई मीन डिटेल्स सही डालना। ओके, नाउ कम्स टू द बैचलर डिग्री। यहाँ पे बैचलर डिग्री पे क्या है, आर यू इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, तो अगर आप फाइनल में ईयर में हो तो यस डालो, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो नो। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड, यस डेफिनेटली। देन यहाँ पे टोटल ईयर ड्यूरेशन ऑफ डिग्री डालना है, लाइक जैसे बी कॉम हो तो वो 3 साल का होता है, इंजीनियर 4 साल। ओके, सो यहाँ पे ड्यूरेशन डालना है, देन इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है वो, देन यहाँ पे कौन से स्टेट से हो, स्टेट से यूनिवर्सिटी है वो, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज का नेम, डिग्री नेम, जैसे बीटेक होता है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, जैसे बी ए बैचलर ऑफ आर्ट समथिंग समथिंग, तो वो आप डालो। देन डिसिप्लिन, जैसे अब इंजीनियरिंग है तो वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होगा, आर्ट्स है तो आर्ट डिसिप्लिन होगा, तो सिमिलरली ऐसा होगा यहाँ पे। यू कैन सी बहुत सारा, जैसे आर्ट्स हो गया, बैंकिंग हो गया, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी, तो जो भी आपका डिसिप्लिन है आप वो फिल करो। ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या है, सो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है, लाइक इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग, सो इसमें दो ही बाइफर्गेशन है, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, बस। अगर आप नॉन इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर पे क्लिक करो, मैं इंजीनियर हूँ मैं इंजीनियर पे क्लिक करूंगा। ओके, अब मंथ या ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, जब जो लास्ट मार्कशीट आता है ना वहां पे लिखा रहता है कि मंथ और ईयर, तो वो आपको डालना है यहाँ पे सिंपली मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, ये कमेंसमेंट है, मतलब जिस दिन आपने शुरू किया उसका है, अगर आपको नहीं पता तो एक रफ डाल दो, उतना कुछ मैटर नहीं करता, ये सिंपली ये मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन, ये तो आपको फाइनल जो मार्कशीट होगा वहां से पता चल जाएगा। देन मार्क्स अवार्डेड बाई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो यहाँ ग्रेजुएशन में क्या होता है ना कि लाइक बहुत यूनिवर्सिटी, जैसे लास्ट ईयर का वो लोग लास्ट ईयर का जो एग्रीग्रेट परसेंटेज होगा वही अवार्ड करते हैं एज ए डिग्री। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी था नागपुर यूनिवर्सिटी, वो लास्ट ईयर का ही वो लोग ये डिग्री अवार्ड करते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी ने डिग्री अवार्ड किया है जो परसेंटेज पे, वही परसेंटेज हमको फिल करना है, ऐसा नहीं कि एग्रीग्रेट करना है कि फर्स्ट सेम से लेके 8th सेम तक मैं उसको एग्रीग्रेट किया देन फिल किया, ऐसा नहीं। सिमिलरली आपका जैसे जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसा भी आपको वो लोग मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं वही आपको फिल करना है। ओके, जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो थ्रू आउट द सेमेस्टर लेते हैं एक, उसको एग्रीगेट करके फाइनल वो लोग डिग्री अवार्ड करते हैं, तो जैसा आपको यूनिवर्सिटी ने अवार्ड किया है सिमिलरली वही यहाँ पे फिल करना है, नथिंग एल्स। ओके, अब लेट सपोज कि कोई स्टूडेंट है जो वो फाइनल ईयर में है, सो यहाँ पे वो यस क्लिक करेगा, तो यस क्लिक करने के बाद सिमिलर जैसा हमने नो के लिए मतलब जो पास आउट हो चुके हैं जो फिल करना है सब वही है, सिर्फ यहाँ पे आपको जो प्रोबेबल मंथ है ये आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड बाई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट यहाँ के लिए ना, एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हो कि आप टोटल एग्रीग्रेट ले लो, मतलब कहने का मतलब कि जैसे लेट सपोज कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको अब वो मार्क्स आपका फाइनल ईयर का अवार्ड कर, जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं फाइनल ईयर में होता तो मैं क्या करता, फर्स्ट सेम से लेके 6th सेम का एग्रीग्रेट निकालता और यहाँ पे फिल करता। ठीक है, सिमिलरली आप वैसे करोगे जब फाइनल होगा, आई मीन जब रिजल्ट आएगा फिर हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आई मीन आ जाएगा, तब आप जो भी यूनिवर्सिटी अवार्ड करेगा वो आप फिल कर लोगे। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया आई होप। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, डू यू हैव अंडरगोइंग डुअल और 5 इंटीग्रेटेड कोर्स, हाँ मतलब कोई कोई कोर्सेज होते हैं जो 5 डिग्री का होता है, मतलब 3 ना, जैसे
लेट्स सपोज कि मतलब कुछ जैसे आई मीन इंजीनियर ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी समथिंग लाइक कुछ भी होता है, जैसे एक आईपीएम का कोर्स है, बी आई मीन ग्रेजुएशन प्लस एमबीए, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ अगर कोई 5 ईयर्स कोर्स आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज नो। ओके, तो यहाँ पे मैं नहीं हूँ तो नहीं फिल करूंगा। नाउ कम्स टू क्लिक हियर इफ यू हैव मोर देन वन बैचलर डिग्री, अगर आपके पास वन बैचलर डिग्री है देन यहाँ पे क्लिक करो, अगर नहीं है बंद करो, हटा दो इसको। मास्टर डिग्री है आपके पास, अपने मास्टर डिग्री कर रखी है, देन क्लिक हियर यस और नो। अगर यस क्लिक करते हो तो सिमिलर जो हमने बैचलर डिग्री में फिल किया वैसे ही फिल करना है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ नो। नाउ कम्स टू अदर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कोई कोई कॉलेजेस हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है कोझीकोड, वो अगर आपके पास सीए डिग्री है तो वो 5 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने डिटेल्स पूछा है, डू यू वॉन्ट टू एंटर एनी प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स लाइक सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूए। सो ये सब कुछ है आपके पास तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज कोई कोई कॉलेजेस मार्क्स एक्स्ट्रा देते हैं इसके लिए, इसलिए कैट वालों ने ये डिटेल्स मांगा है, ठीक? ओके, सो अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन हमारा वर्केक्स का टैब ओपन होगा। ओके, सो सेव एंड नेक्स्ट, सो ये हमारा वर्केक्स का टैब ओपन हो गया, सो यू कैन सी। सो मेरा वर्केक्स नहीं है तो मैं तो इसमें फिल नहीं करूंगा, बट अगर आपके पास वर्केक्स है सो यू कैन फिल। यहाँ पे देखो इंडस्ट्री टाइप है एंड वर्केक्स, बट अगर आप अभी वर्किंग कर रहे हो देन आपका कंटिन्यू कर रहे हो जैसे, तो फिर भी ये 31 जुलाई तक ही काउंट होगा अभी के लिए, बट बाद में लाइक जब रिजल्ट आएगा ना फिर सेपरेट सेपरेट फॉर्म ओपन होता है कॉलेज के, तो वहां पे आपको अलग डेट दिया जाएगा कि हाँ यहाँ तक का वर्केक्स काउंट होगा। ओके, बट अभी के लिए आप 31 जुलाई तक ही ये कंसिडर करके वर्केक्स का जो ड्यूरेशन है वो फिल करोगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उस इंडस्ट्री डालो, अगर कोई इंडस्ट्री नहीं मिल रही है देन यहाँ पे अदर पे क्लिक करना और आपका इंडस्ट्री यहाँ पे नेम डाल देना, देन स्टार्ट डेट इन डेट। ओके, और यहाँ पे एक और कॉलम है अब ब्रेक इन एक्सपीरियंस, अगर आप जैसे एक कंपनी में काम किया फिर कुछ ब्रेक लिए फिर दूसरे कंपनी में काम किए, तो यहाँ पे ब्रेक आपको जो डालना है कि कितना ब्रेक है, अगर आपके पास ब्रेक नहीं है सिंपल पुट 0, 0 यहाँ पे पुट करना है, एक्सपीरियंस इन डेज लिखना है, जितना डे हो रहा है मतलब जिस दिन आप ज्वाइन किए और अभी तक 31 जुलाई तक जितना डे हो रहा है वो आपको डे यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब आ गया प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम है और सब में सीटी फिल करना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैंने पहले ही फिल कर लिया। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ एक आपको सेलेक्ट ऑल का दिख रहा होगा, ये सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करोगे पूरा जितने भी आईएएम है और जितने भी प्रोग्राम है आईएएम के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि जो इंटरव्यू सिटी है ये आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना? अब देखो अगर लेट सपोज कि अभी मैं कहाँ विशाखापट्टनम में हूँ अभी, अगर और मैं दिल्ली में डाल दिया तो क्या मेरा इंटरव्यू दिल्ली में ही होगा फर्स्ट प्रेफरेंस? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग फिर बाद में जो इंडिविजुअल कॉलेज का फॉर्म होता है वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इंटरव्यू कहाँ दूंगा। अभी ये पता नहीं क्यों लेते हैं झूठ मूठ का, मुझे समझ में नहीं आता। और ये भी है कि जिसमें सिर्फ एक ही, जैसे कोई एमबीए कॉलेजेस का जैसे मैंने देखा कि एक ही सिटी है फिर भी उसको सिलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, मतलब क्यों? हाँ मे बी ये हो सकता है कि लाइक मुझे जैसे पीजीपी एफएबीएम में नहीं जाना है तो इसको मैं अगर अनसेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, इसलिए मैं भी उन्होंने दिया हो, ठीक है ना? बट मुझे सार सबको सिलेक्ट करना है, एडिशनल तो पैसे मुझे लग नहीं रहे हैं तो मैं क्यों रिजेक्ट करूं? अगर लेट सपोज कि जैसे ये पीएचडी का कोर्स है तो पीएचडी के लिए इलिजिबल होने के लिए आपको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो वहीं आप इलिमिनेट हो गए, तो अगर आप सेलेक्ट भी किए फिर भी वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे। बट क्यों मैं ऐसे एक एक देख के सेलेक्ट करूँ अनसेलेक्ट करूँ, क्यों? बस सेलेक्ट करो और यहाँ पे भरो आगे बढ़ो, इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन आ जाता है प्लीज सिलेक्ट फर्स्ट इंटरव्यू सिटी पर आई एम ओके। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे जैसे आप देख देख सकते हो कितना सिटी का नाम है, आपको जो मन करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है अभी के लिए। तो अब हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, अब टेस्ट सिटी सिलेक्ट करने के लिए आ गया। तो कोविड से पहले का टाइम में 4 ही सिटी सिलेक्ट करने का था आई थिंक, बट आफ्टर कोविड ये 6 सिटी लोग कर दिए हैं। सो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी है वो डालो जो भी है आपका, तो लेट सपोज कि मैं आंध्रा में हूँ अभी तो विशाखापट्टनम डालता हूँ,
सेकेंड में मैं क्या डालूँ, वांजीगराम यहाँ से पास में वो डालता हूँ, देन विजयवाड़ा डालता हूँ, देन और क्या डाल सकता हूँ, और तो मुझे प्लेस का कुछ आइडिया नहीं, सो कुछ भी डालते हैं, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस यूजुअली मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये ऐड कर दिया मैंने नाउ। ओके वन सेकेंड, आंध्र 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 ये डालता हूँ, प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट टेस्ट सिटी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या डालूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, बिहार पटना डाल देता हूँ, मैं बिहार से हूँ तो मैं पटना डालता हूँ, तो सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली क्या होगा, मेरा पेज का सॉरी पेमेंट का पेज ओपन हो गया। अगर आपको कैसे पे करना है वो आप देख, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है आई थिंक अभी के लिए। ओके, सो SBI पे क्लिक करेंगे, आई हैव प्रीव्यू। ओके, सो यहाँ पे प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, तो यू कैन सी अगर प्रीव्यू किया तो यहाँ पे पूरा जो मेरा कैट का फॉर्म है जो भी मैंने फिल किया वो ओपन हो रहा है पूरा, यू कैन सी। सो आप इसको कम से कम तो भी 2-3 बार रीड करो, एक एक डिटेल्स को अच्छे से पढ़ो, नाम का वर्ड पढ़ो कि हाँ कोई गलती तो नहीं है, पिता का नाम माता का नाम सबका एक एक वर्ड पढ़ो कि कोई गलती है कि नहीं, परसेंटेज डाला है वो भी पढ़ो, जितने भी डिटेल्स आपने डाले हैं बहुत केयरफुली इसको रीड करो, देन यहाँ पे आप हाँ कि यहाँ पर प्रीव्यू कर लिया, आप यहाँ पे फिर ये कर सकते हो, ओके कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे पेमेंट के लिए जा जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं, सबमिट कर देंगे। ओके, बट अभी के लिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फॉर्म है, मैं सबमिट क्यों करूँगा, मुझे तो पेपर नहीं देना है आई थिंक, तो मैं सबमिट नहीं करूँगा, बट यहाँ पे आप जस्ट आप कैप्चा डालो, सबमिट करोगे, देन पेमेंट पेज ओपन होगा, तो सिंपल पेमेंट के लिए आप UPI यूज करो, सबके पास UPI होगा, सिंपल UPI यूज करो, कोई कार्ड और क्रेडिट कार्ड का झंझट नहीं, सिंपल UPI यूज करो, पेमेंट करो, खत्म हो गया, फिर वहां से आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा, आपको एक मेल भी आ जाएगा सक्सेसफुल का और मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, अगर अभी भी कुछ डाउट है कहीं भी कुछ भी तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि मुझे अगर पता होगा मैं खुद रिजॉल्व करूंगा, अगर नहीं पता होगा तो आई विल ट्राई कि मैं कैट अथॉरिटी को मेल करूँ सिमिलर डाउट, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, जो भी डाउट है आपका आप मेल करो, वो लोग रिप्लाई करते हैं, वो लोग रिप्लाई करते हैं 1 से 1 से 2 दिन में वो लोग डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, मुझे भी खुद का क्वेरी था मैंने मेल किया था, वो लोग 2 से 3 दिन में रिप्लाई कर दिए थे, तो आप भी मेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो पैसे इसी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर लगा हो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो थैंक यू, बाय बाय।